इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाएं, अच्छा सीख पाएं, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे, तो हमसे जुड़ना ना भूलें एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी? चलिए, तो कल का मतलब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हमने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका, द आंसर्स आर गिवन डैश द एंड ऑफ द पेज, सॉरी द एंड ऑफ द बुक, द आंसर्स आर गिवन डैश द एंड ऑफ द बुक। बताओ इसमें क्या लिखें, इन द एंड ऑफ द बुक लिखें, एट द एंड ऑफ द बुक लिखें, टू द एंड ऑफ द बुक लिखें, बाय द एंड ऑफ द बुक लिखें, क्या लिखें? चल बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे बता रहे हैं। देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बाय का यूज हम जब करते हैं तो ये टाइम के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए नहीं। अब चूंकि द एंड ऑफ द बुक लिखा हुआ तो एक फाइनल पॉइंट है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम टू यूज नहीं कर पाएंगे। टू का यूज हम करते हैं मोशन की वर्ब्स के साथ में, ये बताने के लिए कि मोशन कहां से लेकर कहां तक हो रहा है। यहां पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, यहां पे आंसर्स दिए गए, कौन से पॉइंट पे दिए गए आंसर्स हमें वो बताना है, तो हम टू नहीं लिख सकते। अब या तो हम एट द एंड ऑफ द बुक लिखें या हम इन द एंड ऑफ द बुक लिखें। आप लोगों ने प्रेपोजिशन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये जो हम लिखते हैं एट द एंड, ठीक है, और इन द एंड, इसी तरीके से एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग भी होता है। अब इनमें क्या होता है, एट द एंड जो होता है और इन द एंड जो होता है, इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, इवेंचुअली, और इसका यूज हम करते हैं सेंटेंस में वहां जहां हमें वेन को रिप्लाई करना हो, वेन को। एट द एंड जो होता है इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉइंट, एट द लास्ट पॉइंट of something, और इसका यूज हम टाइम के लिए नहीं, इसका यूज हम करते हैं प्लेस के लिए, वेयर को रिप्लाई करने के लिए, और इसका यूज हम करते हैं टाइम को रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इन द एंड जो हम फ्रेज यूज करते हैं बच्चे, ये फ्रेज टाइम की फ्रेज होती है, इसका यूज सेंटेंस में हम तब करते हैं जब हमें वेन को रिप्लाई करना हो। एट द एंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें वेयर को रिप्लाई करना हो। ये छोटी छोटी बातें प्रेपोजिशन में सबने पढ़ी होगा, सबको याद ही होगा। अब अपने क्वेश्चन में देखो, The answers are given where? Where are the answers given? कहाँ given है? तो हमें place को refer करना है, time को नहीं। तो अगर place को refer करना है, time को नहीं, तो in the end तो time के लिए use किया जाता है, तो ये गलत हो गया, ये answer हो गया। तो answer है at the end, ठीक है? The answers are given at the end of the book. तो at जो होता है ये point की preposition होता है, इसका use हम तब करते हैं जब हमें refer करना हो किसी ऐसे point को जो किसी चीज का end है। अब मान लीजिए जैसे कोई book है, ठीक है, तो book जब end होती है last में, तो वहां पे answers दिए गए exercises के, तो ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, अब अगर किसी बच्चों को ये समझना हो कि फिर हम in the end का use कैसे करेंगे, तो देखो मैं वो भी समझा देता हूँ।
ट्रुथ ऑलवेज विंस इन द एंड। ठीक है, तो हमने लिखा अंत में हमेशा सच की जीत होती है। इन द एंड का मतलब है व्हेन, ट्रुथ ऑलवेज विंस, व्हेन, व्हेन डज ट्रुथ विन, कब जीतता है, अंत में, मतलब अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो इन द एंड का यूज, इन द बिगिनिंग का यूज सेंटेंस में तब क्या करो जब आपको व्हेन को रिप्लाई करना हो। अगर वेयर को रिप्लाई करना है तो एट का यूज करो। तो हमें पता है यहां हमें वेयर के रिप्लाई की जरूरत है, व्हेन के रिप्लाई की जरूरत नहीं, तो इसलिए इन द एंड गलत हो जाएगा, एट द एंड आंसर हो जाएगा, तो हमारा बी आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अक्यूज्ड डैश टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ हिज लॉयर। द अक्यूज्ड डैश टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ हिज लॉयर, लॉयर, ठीक है। The accused declined to answer any question. The accused denied to answer any question. The accused denounced to answer any question. The accused detested to answer any question. Easy question है, ठीक है। अब देखो, detest का मतलब होता है dislike करना, hate करना। Denounce का मतलब होता है किसी को criticize करना, बदनाम करना, vilify करना, किसी की बदनामी करना, ठीक है। तो ये दोनों गलत। डिक्लाइन का मतलब होता है नॉट टू रिजेक्ट, नॉट टू रिजेक्ट, नहीं, डिक्लाइन कर देना मतलब रिजेक्ट कर देना, नॉट टू एक्सेप्ट। दे डिक्लाइंड माई ऑफर, दे डिक्लाइंड माई इन्विटेशन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। डिनाई कर देना मतलब नॉट टू एडमिट, स्वीकार नहीं करना, ठीक है, मना कर देना, रिफ्यूट कर देना, ठीक। तो जो अक्यूज था, आरोपी, अक्यूज का मतलब है आरोपी, तो जो आरोपी था उसने क्या किया, डिनाई कर दिया। डिनाई क्या कर दिया, टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ हिज लॉयर, कि अपने लॉयर की एब्सेंस में उसने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। डिनाई कर दिया मतलब मना कर दिया उसने कोई काम, ठीक है। चलो ये हो गया, अगले पे आ जाओ। ही न्यू दैट ही हैड डैश अ रॉन्ग इन्फ्रेंस। अब देखो यहां पे ये जो हमें ऑप्शन दिए गए, इनफर, डेराइव्ड, ड्रॉन, कंक्लूडेड, इनमें मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक, ये जो इन्फ्रेंस वर्ड है ना, इसके मीनिंग पे सब कुछ डिपेंड करेगा। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, इन्फ्रेंस का मतलब है कंक्लूजन। चलो अब आंसर बताओ, ही न्यू दैट ही हैड डैश अ रॉन्ग इन्फ्रेंस, क्या लिखें, ही हैड इन्फर्ड अ रॉन्ग इन्फ्रेंस, ही हैड डेराइव्ड, ही हैड ड्रॉन, या ही हैड कंक्लूडेड। आंसर करें सभी लोग। ड्रॉन, ये ध्यान रखेंगे, ड्रॉ कंक्लूजन और इन्फ्रेंस, ठीक है। तो ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, जैसे एक तो ड्रॉ का मतलब चित्रकारी करना होता है, जैसे ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, तो एक तो ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, चित्रकारी करना, ठीक है। एक ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है, जैसे कुएं से पानी निकालने को क्या कहेंगे, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचना, निकालना, तो ड्रॉ का मतलब ये भी होता है। तो कंक्लूजन और इन्फ्रेंस जो वर्ड होते हैं, इनके साथ में ड्रॉ वर्ब का यूज क्या करो, ठीक है। ड्रॉ करना मतलब खींचना, निकालना, ड्रॉ कंक्लूजन का मतलब कोई निष्कर्ष निकालना, ठीक है, हाँ, ड्रॉ लाइन वो अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो इसमें आंसर आएगा ड्रॉन। अगला देखो, अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही डेकोरेटिवली लिखना है, जैसे कोई पर्सन है उसने ए बनाया तो ऐसे, अब एक पर्सन है वो ए बनाएगा तो ऐसे स्टाइल में, ठीक है, एक पर्सन ने बी बनाया ऐसे, एक बी बनाएगा तो बड़ा स्टाइल के साथ ऐसे, ठीक है। तो जो लोग बहुत डेकोरेटिव स्टाइल में लिखते हैं,
उसको क्या कहते हैं, कैलीग्राफर, कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर, कॉलियर, क्या कहते हैं बताओ? देखो कॉलियर होता है जो कोल माइंस में काम करता है, कोल माइनर, कोयले के खान में काम करने वाले पर्सन को कहते हैं, ठीक है। कार्टोग्राफर होता है मैप बनाने वाला पर्सन, जो मैप्स बनाता है, ठीक है। कोरियोग्राफर होता है जो डांस को मतलब कोरियोग्राफी करता है। कैलीग्राफर का मतलब हो गया ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग वाले पर्सन को कहते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, इसकी शीट्स वगैरह भी आती हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि वो अच्छे अट्रैक्टिव लेटर्स लिख पाए, तो उसको कहते हैं कैलीग्राफी, ठीक। ग्राफ का मतलब ही लिखना होता है एक्चुअली। लॉस ऑफ मेमोरी, कोई पर्सन है उसकी याददाश्त चली जाए, गजनी, ठीक है। मूवी होते थे ना पुरानी, जैसे अमिताभ बच्चन की, शशि कपूर की मूवीज होती थी, उनमें अक्सर ऐसा आता था कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाने से कार पलट गई, उसके अंदर जो बैठा था आदमी उसकी याददाश्त चली गई, उसको कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और बाकी ये लोग कौन हूं, तो उसको क्या कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं? एम्ब्रोसिया, अम्नेशिया, इंसोम्निया, फॉरगेटिंग। एक मिनट बच्चों, अब देखो ये फॉरगेटिंग तो हटा दो, ये तो खैर बेकार मीनिंग है। इंसोम्निया का मतलब होता है नॉट टू स्लीप, कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसको नींद ना आए, तो वो इंसोम्निया होता है, ठीक है। एम्ब्रोसिया जो होता है ना, ये होता है डेलिकेसीज, बहुत स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें, देवताओं की चीजें, ठीक है, फ्रूट वगैरह, ये एम्नेशिया। एम्नेशिया का मतलब हो गया कि भूलने की बीमारी, कोई पर्सन है अगर उसको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए, उसकी याददाश्त चली जाए, तो उसको हम कहते हैं एम्नेशिया। हाँ, सोम वर्ड रिलेटेड टू स्लीप, बिल्कुल। हाँ, दोबारा चोट लगती थी तो याद आ भी जाती थी, नहीं दोबारा चोट लगने से नहीं, उसको उस जगह पे ले जाते थे जहां पे वो पर्सन रहता था या काम करता था, फिर वो जगह देखकर, लोग देखकर धीरे धीरे, मतलब एक्टिंग दिखाते थे मूवीज में। तो अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम बहुत कम हो, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, एक ऐसी पोस्ट जिसपे काम कम हो लेकिन सैलरी हाई हो, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सिनेक्योर, ऑनररी ट्रस्टी, डायरेक्टर, डायरेक्टर का कोई ऐसा नहीं कि उसके काम कम होता है, डायरेक्टर की बड़ी हेडेक होती है, सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, ठीक है, उसको बड़ी टेंशन होती है, ठीक है, तो वो तो हटा दो। फिर आगे ट्रस्टी, नहीं ट्रस्टी में मुझे लगता सारे ट्रस्टीज को सैलरी भी नहीं मिलती है, वो एक तरीके से ऑनररी जॉब होती है, ठीक है। हाँ, ऑनररी का मतलब होता है अवैतनिक, विदाउट पेमेंट, विदाउट रेम्यूनरेशन। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई पोस्ट दी गई है लेकिन वो मान सम्मान के लिए दी गई है, उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो वो ऑनररी हो गए। सिनेक्योर हमारा आंसर है, ठीक है। सिनेक्योर इज अ पोस्ट फॉर विच अ पर्सन इज पेड वेरी हैवीली बट देयर इज लिटिल वर्क। ऐसा जनरली पता है कब होता है, सोचो कौन सी ऐसी पोस्ट हो सकती है, एक चीज सोच के बताओ, इसका कोई एग्जाम्पल दो। सिनेक्योर का कोई एक एग्जाम्पल दो, कोई ऐसी पोस्ट बताओ जिसमें काम ना के बराबर हो, पेमेंट बड़ी अच्छी आ जाती है, सोचो कहां होती है ऐसी पोस्ट। स्टॉक मार्केट में नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, स्टॉक मार्केट में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, टीचिंग में भी नहीं है, अगर आप सीरियस पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, जितना टाइम आप पढ़ाते हैं उतना ही टाइम आपको कंटेंट क्रिएट करने में लगाना पड़ता है। ऐसा जनरली जो होता है ना, वो होता है पॉलिटिशियंस की साठ गांठ से, जैसे बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कला केंद्र हैं,
ठीक है, तो उनमें किसी पर्सन को कोई पोस्ट दे दी गई जो हमारे फेवर का आर्टिस्ट है, ठीक है, हाँ, हमारे फेवर की सेलिब्रिटी है, उसको एक अच्छी सैलरी जा रही है, लेकिन उसका काम वहां कुछ नहीं है, ठीक है, काम करने के लिए वहां पे अलग एम्प्लॉयज हैं, वो करते धरते हैं, वो केवल नाम मात्र के लिए उसको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया या उसको कुछ ऐसा मतलब ऊंची पोस्ट दे दी, तो ये मिली भगत से होता है, जनरली ऐसा मिली भगत से होता है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल बॉडी है उसमें उसको कोई पोस्ट दे दी, ठीक है, कोई म्यूनिसिपालिटी में उसको कोई बड़ा पद दे दिया, ठीक है, नगर निगम में उसको कोई बड़ा पद दे दिया, वहां पे करने के लिए कुछ नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो काम सारा वो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो पर्सन उनका हेड बना के अपॉइंट कर दिया गया, उसको सैलरी आ रही है, करना धरना कुछ नहीं। अपने यहाँ के राज्यपाल आप देख सकते हो, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर को तो खैर काम करना पड़ता है, जैसे राज्यपाल हैं, ठीक है, आप इनको देखो, राज्यपालों का ना के बराबर ही काम होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में वो होते नहीं है, तो काम होता है लेकिन वो ना के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, सुविधाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक, तो इस तरीके की जॉब को हम सिनेक्योर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स, कॉन्कर, कनकर, सॉरी, CONCUR, एग्री, एडमिट, इनकर, डिफीट, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी को हरा देना, कोई नुकसान सहना, किसी बात को मान लेना या एग्री हो जाना, बताओ सिनोनिम बताओ, कनकर का मतलब क्या है। मैं इसमें ना उन बच्चों को ढूंढ रहा हूं जो डिफीट लिख रहे हैं, डिफीट वाले बच्चे में उनको ढूंढ रहा हूं कौन कौन है। देखो बच्चों मैं बताता हूं होता क्या, ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है, एक वर्ड ये हो गया कनकर, इसका मतलब होता है टू विन, टू बी विक्टोरियस, विजयी होना, जीत लेना किसी को, ठीक है, ये एक अलग वर्ड है। यहां पे जो वर्ड हमने लिखा है कंकर, ठीक है, उसका मतलब होता है एग्री होना, कंकर करना मतलब असेंट, एक्सीड, इसका मतलब सहमत होना होता है, तो इसका मतलब ये है एग्री होना, ठीक है, तो ये दो वर्ड हो गए, एक हो गए CONQUER और एक हो गए CONCUR, कंकर और कॉन्कर, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्करर, कॉन्करर का मतलब क्या हो गया, विक्टर, विजेता, जो विजयी हुआ, अगला देखो, कैटास्ट्रॉफी, एक मिनट बच्चों, कैटास्ट्रॉफी, अब कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है बच्चे कोई डिजास्टर, कोई आपदा, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब हो गया सम डिजास्टर, ठीक, अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, ठीक, हियर आंसर, कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब डिजास्टर, आपदा, ठीक है, रस्टिक का मतलब देहाती होता है, ठीक है, पैंडेमिक का मतलब कोई बीमारी होता है जो बहुत बड़े इलाके में सब जगह फैल जाए, और क्लम्जी का मतलब ऑकवर्ड होता है, क्लम्जी का मतलब होता है ऑकवर्ड, ठीक है, कोई पर्सन है जैसे चल रहा है और चलते चलते उसने किसी चीज में उसका हाथ लग गया और वो चीज गिर के टूट गई, क्लम्जी पर्सन, खाना खा रहा है, खाना खाते आते है, उसके हाथ से चम्मच छूट गया और कपड़ों पर उसने गिरा लिया सूप, ठीक है, कोई पर्सन है कैमरा सेट कर रहा था, कैमरा सेट करते करते उसने हाथ मारा, कैमरा नीचे गिरा, टूट गया, ऑकवर्ड पर्सन, ठीक है, चीजों को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है उसको पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया क्लम्जी पर्सन, ऑकवर्ड पर्सन, तो क्लम्जी का मतलब ऑकवर्ड हो गया, पैंडेमिक आपको पता ही है महामारी, रस्टिक हो गया देहाती आदमी, ठीक है, अब कैलेमिटी हो गया डिजास्टर, कोई आपदा, जैसे अभी आप देखोगे तो कहां पे लैंडस्लाइड हुआ, ये मैं तो खैर घूमने का हमने पहाड़ों पर जाता ही नहीं, ठीक है, लेकिन अभी जैसे जून में कुछ लोग हैं पहाड़ों पर घूमने गए तो न्यूज आ रही थी ना, वहां पे 20 घंटे का जाम लगा, मनाली गए थे, कहां गए थे मुझे नहीं पता, तो वहां पर क्या है कि 20 घंटे का जाम लगा, 20 घंटे का जाम, समझ सकते हो,
आप पहाड़ों पर मैदानी क्षेत्र में तो आप चलो कहीं फंस गए, ठीक है, आप मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड ना, मैदानी क्षेत्र है वहां तो मान लो आप जाम में फंस गए तो अपने गाड़ी से बाहर निकल आओ, ठीक है, अपने जमीन पे लेट जाओ, कुछ भी है आसपास में गांव वगैरह होते हैं, पहाड़ों पे तो गांव वगैरह भी दूर दूर होते हैं, बस्तियां भी दूर दूर होती हैं, ठीक है, पहाड़ों पे तो गाड़ी के अंदर ही रहना है, एक साइड पहाड़ है एक साइड खाई है, कहाँ जाओगे, ठीक है, तो सोचो कितनी बुरी हालत हो जाती होगी लोगों की। अगर आप, हम तो यहाँ दिल्ली में आधे घंटे एक घंटे के जाम में फंस जाते हैं तो तारे नजर आ जाते हैं, 20 घंटे के जाम में आप फंसे और वो भी फंसे पहाड़ों पर, ठीक है, क्या हालत होती होगी लोगों की। लेकिन लोग है पता नहीं क्या मौजू किस्म के, सेंस ही नहीं है, दिल्ली को बर्बाद कर रखा है, पहाड़ों को बर्बाद करना है, ठीक है, वही कूड़ा करकट वही बोली भाषा दिल्ली वाली पहाड़ों पर भी पहुंचा दी, ठीक है, तो ये होता है। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब आपदा, तो जैसे वहां पे कोई लैंडस्लाइड हो गया या कुछ ऐसा हो गया, बादल फट गए तो उसकी वजह से कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, लग गए जाम वहां पे। अगले पे आ जाओ, फिर हमने लिखा दीज एसेंशियल पॉइंट्स शुड बी प्लेनली एक्सप्रेस इन अ स्टाइल फैमिलियर एंड परस्पिकुअस टू ऑल। अच्छा, सिक्किम में हुआ था लैंडस्लाइड, तो अब हमने लिखा दीज एसेंशियल पॉइंट्स, एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज एसेंशियल पॉइंट्स शुड बी प्लेनली एक्सप्रेस, प्लेनली का मतलब स्पष्टता के साथ में इनको व्यक्त करना चाहिए, इन अ स्टाइल फैमिलियर एंड परस्पिकुअस टू ऑल, एक ऐसे स्टाइल में जो सबको परिचित हो, ठीक है, और सबको समझ में आ जाए। परस्पिकुअस का मतलब होता है ल्यूसिड, परस्पिकुअस वर्ड जो होता है ना बच्चे, इसका मतलब आप मान के चलेंगे ल्यूसिड, स्पष्ट क्लियर समझ में आ जाए, मतलब ऐसा अंडरस्टैंडेबल, परस्पिकुअस का मतलब हो गया कुछ ऐसा जो लोग समझ लें, उन्हें समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो हमें परस्पिकुअस का सिनोनिम बताना है। अनएम्बिगुअस, देखो एम्बिगुअस वर्ड जो होता है इसका मतलब आप सभी जानते होंगे, एम्बिगुअस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है अस्पष्ट, हिंदी में इसका मतलब अस्पष्ट होता है, इंग्लिश में देखें तो अनक्लियर हो गया, वेग हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, ठीक है, इक्विवोकल हो गया, ये हो गया। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है, वेग है, ठीक है, ड्यूबियस है, अस्पष्ट है, ऑब्स्क्योर है, ठीक। अनएम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा क्लियर, ठीक है, ऑब्वियस, तो यही होता है परस्पिकुअस का मतलब हो गया अनएम्बिगुअस, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। एंटोनिम्स बताने अब, नेग्लिजेंट, अब नेग्लिजेंट का एंटोनिम बताना है, इनअटेंटिव, इम्प्रूडेंट, इनसिग्निफिकेंट, केयरफुल। अब नेग्लिजेंट पर्सन कौन होता है, जो प्रॉपर ध्यान नहीं रखता, नेग्लिजेंट पर्सन वो होता है जो अपने काम में पूरा ध्यान नहीं रखता, एक तरीके से आप कहो तो नेग्लिजेंट पर्सन जो होता है वो केयरलेस पर्सन होता है, नेग्लिजेंट पर्सन कैसा पर्सन होता है, केयरलेस पर्सन होता है, लापरवाह इंसान, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनअटेंटिव इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हमें तो एंटोनिम बताना है, तो ये गलत। इम्प्रूडेंट का मतलब जो वाइज नहीं है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा जो महत्व का नहीं है, पेटी, ट्रिवियल, ठीक है, हाँ, तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो आंसर हमारा क्या हो गया, केयरफुल, एंटोनिम हो गया ये, ठीक है, तो नेग्लिजेंट का मतलब हो गया जो अपने काम में बहुत लापरवाही करता है, जो लापरवाह है, केयरलेस है, और उसका एंटोनिम हो गया केयरफुल। हिज गुड लुक्स आर हिज ग्रेटेस्ट वैनिटी,
उसके जो अच्छे लुक्स है, मतलब जो उसका मतलब लुक है उसका, ठीक है, सुंदर लुक जो है वो उसकी सबसे बड़ी वैनिटी है। वैनिटी, अब वैनिटी का हमें एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना, वैनिटी का एंटोनिम बताना है। बताओ वैनिटी का मतलब समझते हैं आप? देखो वैनिटी का मतलब होता है घमंड को क्या कहेंगे, प्राइड कह सकते हो आप, गर्व, ठीक है। नहीं तो एक वर्ड में आपको समझाना चाहता हूं यहां पर, क्या कहते हैं उसको, अरे एक वर्ड होता है ना, क्या नाम, VAIN, वेन, एक ये वर्ड होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और एक होता है VEIN, वेन, ठीक है, और एक होता है VANE, नाउन, नाउन, ठीक है। तो ये जो VANE वैन होता है, ये होता है अवेदर डिवाइस, अ वेदर इंडिकेटिंग डिवाइस। VEIN वेन जो होता है, इसका मतलब होता है अबॉर्टिव, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, निष्फल, ऑल इन वेन जैसे कहते हैं ना, नहीं, ये कुछ नहीं, ब्लड वेसल होती है, गलती हो गई मेरे से, हो गई, इसका मतलब होता है ब्लड वेसल, ब्लड वेशल, रक्त वाहिनी, ठीक है। जैसे आर्टरीज और वेंस होती हैं, आपको पता होगा आर्टरीज और वेंस, ठीक है, तो आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, वेंस जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो VEIN वेन है ना, ये होती है ब्लड वेशल, जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो आ गया वेन, VIN वेन, इसके दो मीनिंग होते हैं, इसका एक तो मतलब होता है यूजलेस, ऑल इन वेन, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, और एक इसका मतलब और भी होता है, वेन का मतलब होता है घमंडी, हॉटी, HAUGHTY, कंसीटेड, CONCEITED, सुपरसिलियस, ठीक है, एरोगेंट, एरोगेंट। तो ये जो वैनिटी वर्ड है ना, इसका मतलब आप कह सकते हो एरोगेंस, वैनिटी का मतलब एरोगेंस हो गया। अब हमें इसका एरोगेंस का एंटोनिम बताना है, तो ट्रुथफुलनेस होगा नहीं, ऑनेस्टी होगा नहीं, ये डिसेप्शन के एंटोनिम्स हो सकते हैं, लाइक के हो सकते हैं, अब या तो मॉडेस्टी लिखे या डिसेंसी लिखे। तो एक्चुअल में जो एरोगेंस होता है घमंड, उसका एंटोनिम होता है मॉडेस्टी, विनम्रता, 180 का मतलब पोलाइटनेस, नम्रता, कॉर्टेसी, तो उसका एंटोनिम है मॉडेस्टी। डिसेंसी नहीं होगा, असल में डिसेंट का मतलब होता है जो नॉर्मल है, चटक भटक नहीं है, दिखावटी नहीं है, ठीक है, वो, तो इसका आंसर है मॉडेस्टी। हाँ स्नोबिस भी होता है, बिल्कुल होता है बच्चे, तो आंसर हमारा एंटोनिम क्या हो गया, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब पोलाइटनेस, कर्टेसी, ठीक है,
और वैनिटी का मतलब एरोगेंस, दंभ, घमंड, ठीक है। ये अगले देखो, डिलीजेंट, एंटोनिम बताना, ध्यान रखना, इनकॉम्पिटेंट, लेजी, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, डिलीजेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होता है? एंटोनिम तो हम बाद में पता कर लेंगे, एंटोनिम और सिनोनिम में सिनोनिम जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पढ़ने चाहिए हमेशा सिनोनिम। पेपर में हालांकि एंटोनिम आते हैं कई बार, लेकिन जब हमें सिनोनिम्स पता होते हैं वर्ड्स के तो हम एंटोनिम्स अपने आप जान जाते हैं। चलो, तो डिलीजेंट का अगर हम देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ऐसे, ये इसके मतलब होता है। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, लेजी। लेजी का मतलब लैकेडाइसिकल, ठीक है, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, ठीक है। लेजी का मतलब आलसी, ठीक है, स्लॉथ, ये हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट और फ्रुगल एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, इनकॉम्पिटेंट का उससे कोई लेन देना नहीं, तो आंसर हो गया लेजी। हाँ, इंडस्ट्रियस कह सकते हो, डिलीजेंट का मतलब इंडस्ट्रियस, परिश्रमी। अगला देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस। मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब हमने कहा महंगाई की वजह से बहुत से लोग हैं वो हैंड टू माउथ जीते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है ये सभी लोग बताएं। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए कि व्हाट डज द फ्रेज हैंड टू माउथ, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन, हैंड टू माउथ लिव करने को क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, सभी लोग एक बताएं। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हम क्या माने बच्चों, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना जैसी हालत में होना, ठीक है। हाँ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि केवल बेयरली जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी हो पाना, कोई सेविंग्स नहीं होना, बहुत कम रिसोर्सेज होना, ठीक है, और अपने जीवन यापन के लिए रोज प्रयास करना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना वाली कहानी होना, ठीक है। हाँ, वट एवर अर्न गेट्स स्पेंड फॉर डेली नेसेसिटी, तो इसको कहते हैं मतलब मुश्किल हालातों में जीना। तो अब हमें इसका बताना है एंटोनिम, नहीं ये तो अच्छा idiom phrase, इसका मीनिंग बताना है। देखो, लैविशली का मतलब होता है लग्जरियस, लैविश का मतलब लग्जरियस लाइफ जीवन, खूब बढ़िया बढ़िया एग्जीक्यूट फ्रूट्स खाना, खूब अपना इधर उधर घूमना, ठीक है, वो हो गया, वो तो एक तरीके से एंटोनिम हो गया। हैप्पीली भी गलत हो गया, कंफर्टेबली भी गलत हो गया, आंसर होगा मिजरेबली, ठीक है। तो लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हो गया लिव मिजरेबली, बड़ी मिजरेबल कंडीशन में होना, दयनीय स्थिति में होना, ठीक है। अगला देखो, टू टेक एक्सेप्शन टू समथिंग, टेक एक्सेप्शन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आपत्ति करना, विरोध करना, ठीक है, अपोज करना, ये हो गया। टू मेक एक्सेप्शन टू समथिंग, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट, टू सजेस्ट, टू हियर केयरफुली, टू ऑफर एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज को लेकर आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट करना, ठीक है। टू टेक ही टुक एक्सेप्शन टू माय सजेशन, ही टुक एक्सेप्शन टू दैट प्रपोजल, He took exception to that proposal का मतलब कि उस proposal की उसने आपत्ति कर दी, object कर दिया, ठीक है। अगले question का answer बताओ। अब देखो, यहां लिखा है to hit the nail on the head, ठीक है। अब इसका मतलब क्या माने? यहां पे एक बच्चा कह रहा है कि to, कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं A, to be violent with someone,
ये किसी ने मूवी देखी है ये वाली इंडोनेशियन मूवी, अगर मुझे सही से याद हो इंडोनेशिया की मूवी है, एक मूवी है अजय देवगन वाली, नहीं 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 अजय देवगन वाली नहीं, ये एक अलग है, ये इंडोनेशियन है, रेड मूवी जो है देखी किसी ने? अमेजन प्राइम पे थी पहले, स्टार्टिंग टू एंड ओनली फाइटिंग है उसमें, जिनको एक्शन मूवीज पसंद है, हॉलीवुड की नहीं है इंडोनेशिया की है, जिनको एक्शन मूवीज पसंद है, दो पार्ट में है मूवी, रेड और पार्ट टू इसका है। कहानी स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद एक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर पूरी मूवी पर एक्शन ही चलता रहता है, मतलब वायलेंट है, टॉय जू एक्टर, हाँ तो मतलब बहुत ही ज्यादा वायलेंट मूवी है ये भी, और इसका जो पार्ट टू है ये भी। रामा नाम होता है एक्टर का नाम, उसमें जो कैरेक्टर नेम है हीरो का वो रामा है, ठीक है, एक्टर पुलिस होता है, हाँ वही है, गुंडों की बिल्डिंग में चला जाता है, वहां पे जाके फंस जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो उसमें मेन विलेन है वो वेपन के जैसे हथौड़ी को यूज करता है और हथौड़ी से मार डालता है जिसको उसे मारना, बहुत ही वायलेंट मूवी है, बच्चों के साथ में मत देखना, ठीक है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब एक बच्चे ने लिखा कि इसका आंसर है ए, तो इसने समझ लिया टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब कि आदमी का सर, हेड नेल का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे हेड का मतलब कुछ और है बच्चे, हेड का मतलब इसमें ये है, जैसे कोई नेल का मतलब है इसमें कील, नेल का मतलब नाखून नहीं है, कील है, जैसे कोई कील होती है ना, तो आपने देखा होगा वो ऐसे होती है, ठीक, तो नेल होती है, ठीक, तो वो इस तरीके से होती है, ठीक, तो नेल का ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हेड ऑफ द नेल, और इसे हम कहते हैं पॉइंट, जैसे दीवार में हमें कील ठोकनी होती है तो जो पॉइंट टाइप होता है, जो पॉइंट पार्ट होता है कील का, उसको हम दीवार में लगाते हैं, और जो हेड पार्ट होता है उसमें हम हैमर से हिट करते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब यहां पे जो बच्चे हेड का मतलब समझ रहे हैं इंसान का सर, वो गलत मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई कील ठोकनी है तो अगर आप उसको हेड पे हिट करोगे तो काम होगा, इधर उधर मार लोगे अपनी उंगली पे, मतलब हथौड़ी मार लोगे तो कील तो ठुकेगी नहीं, ठीक है, अपना और काम खराब कर लोगे, तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये होता है। अब अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया जो मैंने समझाया है, बता दो आंसर, अब तो आंसर बता ही दो, अब तो क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी काम को एकदम सही तरीके से करना, हिट द नेल ऑन द हेड, जैसे आपने देखा होगा टीवी डिबेट होती है कई बार, टीवी डिबेट में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन आए होते हैं उनमें से कोई कोई पर्सन ऐसा होता है जो बड़ी मतलब सटीक बात कह देता है, मौके पर ऐसी सटीक बात कह देता है कि सब मतलब फिर किसी के पास जवाब नहीं बचता, तो इसको कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। हिटिंग द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात कह दे ना जो एग्जैक्टली करेक्ट हो, फिर कोई पर्सन के पास कोई मतलब इफ बटी ना बचे, तो इसको कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। हिंदी में इसके लिए कोई मुहावरा होता है क्या? हिंदी में इसके लिए कोई मुहावरा होता है इस सिचुएशन के लिए हिटिंग द नेल ऑन द हेड? हाँ, तो ये अपना ध्यान रखना है, हिटिंग द नेल ऑन द हेड का मतलब ये होता है
एग्जैक्ट काम करना जिसकी जरूरत हो, वही कुछ ऐसा कह देने कुछ ऐसा कर देना जो एकदम सही हो। फिर अगला देखो, पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू मिनिस्टर, फ्रेजल वर्ब है, कि अपने आइडियाज को, ठीक है, पुट अक्रॉस करना। तो पुट अक्रॉस करना मतलब कन्वे करना होता है, पुट अक्रॉस करने का मतलब होता है कन्वे करना, कि कोई आपकी बात है, कोई आपका आइडिया है, आप दूसरों को उसे कन्वे कर दो, दूसरों को उसे समझा दो, देन यू पुट इट अक्रॉस। तो पुट समथिंग अक्रॉस का मतलब होता है कि कोई बात दूसरों को भी समझाना, उनको भी बताना, ठीक है, ये होता है। मेड अवेलेबल, नो, ले असाइड, नो, स्ट्रांगली एक्सप्रेस, नो, इफेक्टिवली कन्वे। पुट समथिंग अक्रॉस का मतलब होता है किसी बात को इफेक्टिवली कन्वे कर देना, दूसरों तक पहुंचा देना, दूसरी तरफ रखना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं, इफेक्टिवली कन्वे। पुटिंग वंस आइडियाज टू समथिंग का मतलब होता है इफेक्टिवली कन्वे करना। अगला देखो, यील्ड। अब ये जो यील्ड वर्ड है ना, इसका मतलब बताओ सभी लोग। गिव इन, गिव ओवर, गिव आउट, गिव अवे, इनमें से कौन सा मीनिंग है इसका? देखो मैं बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ये जो यील्ड वर्ड है ना बच्चे, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ठीक है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उपज। द यील्ड ऑफ व्हीट वॉज बम्पर लास्ट ईयर, वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ठीक है, झुक जाना। तो वाई आई ई एल डी, यील्ड, इसका मतलब एक तो उपज होता है, द यील्ड ऑफ व्हीट वॉज बम्पर लास्ट ईयर, कि पिछले साल गेहूं की उपज बहुत बम्पर थी। और यील्ड वर्ड वर्ब भी होता है, जब यील्ड वर्ड वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना, झुक जाना। तो अब हमें इसके सिनोनिम बताना है इनमें से कौन सा है। अब देखो, गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को दे देना, किसी को चैरिटी वगैरह में दे देना, ठीक है, टू गिव इन चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूट मान लो इसको, कोई प्राइज है, कोई मतलब लोग जैसे नहीं होते गरीबों को कंबल बांटा है, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिशन हुआ उसमें जिन लोगों ने अच्छा किया उनको कोई प्राइज दिया गया, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, ये गिव अवे हो गया। गिव आउट का मतलब होता है टू मेक पब्लिक, किसी जानकारी को पब्लिक कर देना, मतलब अनाउंस कर देना। दे हैव गिवन आउट द नेम ऑफ देयर न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। गिव ओवर का मतलब होता है टू डोनेट, कोई चीज किसी को चैरिटी में दे देना या दान दे देना, मतलब आपके पास है आपने किसी और को पकड़ा दिया, गिव इन। तो यील्ड का मतलब हो गया गिव इन। अगला देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट, पीक्यूआरएस को कैसे किया जाता है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ये फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद रख पाएंगे, इसकी टेक्निक क्या है, तो मैं आपको बताता हूं क्या टेक्निक होती है। फ्रेजल वर्ब्स को लिखा करो, जैसे लुक वर्ब है तो लुक वर्ब की फ्रेजल वर्ब्स आप पढ़ लो, जैसे क्लास में आप पढ़ लो, या बुक्स में दी होती है वहां से पढ़ लो, या कोई पीडीएफ डाउनलोड करो नेट से उससे पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो आपको जो मैंने सातवीं आठवीं किताबें पढ़ने के लिए कही है ना, उनमें दी होती हैं फ्रेजल वर्ब, सब में होती हैं, सातवीं की किताबों में भी होती हैं, आठवीं की किताबों में भी होती हैं, ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन के। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स को लेकर बच्चों में कंसर्न है, तो तुम में से कितने बच्चे पहले तो बताओ सेवंथ एट्थ की बुक्स ग्रामर की पढ़ रहे हैं, एक बार हाँ ना करके जवाब दो। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सेवंथ एट्थ की प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ते नहीं, करें क्या, इनको अच्छी बात बताओ, इनको समझ में नहीं आती, ठीक है, जिस चीज से इन्हें फायदा होगा, जिससे इनका भला होगा, वो ये बच्चों को समझ में नहीं आता, उन्हें अच्छे नहीं लगता, उन्हें बेवकूफ बनाओ, उल्टी सीधी बातें करो तो उनको बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, उनको मीठी गोली दो
ठीक है, प्यार की इमोशनल बातें करो, मम्मी पापा की बातें करो, सपनों की बातें करो, ठीक है, सपने पूरे हो जाएंगे, माँ बाप की जिंदगी बदल जाएगी, फलाना ढिमकाने की बातें करो, बड़ी अच्छी लगती है। और इनसे कहो कि भैया ऐसा करने से फायदा होगा, ऐसा करो तो सुधार होगा, ये सब करते नहीं है, ठीक है। आदमी को बेवकूफ बनाओ, आदमी बहुत राजी बेवकूफ बनने के लिए। आदमी को समझदार बनाना चाहो, उसके लिए उसको सलाह दो, वो समझदार बन के राजी नहीं। ये ऐसी उल्टी दुनिया चल रही है आजकल कि लोगों को अच्छी बात बताओ, सही बात बताओ, उनको समझ में नहीं आती, उल्टी बात बताओ, बेढंग की बात बताओ, ठीक है, बेवकूफ बनाओ, उनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो मैं आपसे कहता हूं कि सातवीं आठवीं की प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ा करो, तो उन बुक्स में तुम देखोगे ना तो भरमार वोकैब होती है, भरमार एक्सरसाइजेस होती हैं, उनमें ईडियम्स भी होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी होते हैं। तो अभी जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि भाई हमें आप सर सोर्स बता दो कि हम फ्रेजल वर्ब्स का सोर्स कहाँ से पढ़ें, ठीक है, और हम क्या नाम कैसे याद करें, तो कहां से पढ़ें, उसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया पहले, सातवीं आठवीं की इंग्लिश की किताबें पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि सातवीं आठवीं वाला लेवल अभी आपका नहीं है, उन किताबों को आप पढ़ते हो तो आप समझ नहीं पाते हो पूरा, बहुत टाइम लगता है, तो आप छठी से शुरुआत कर दो, सिक्स क्लास की पढ़ लो, सिक्स के नीचे तो मत ही जाना, फिर तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो आप सिक्स की क्लास से शुरुआत कर सकते हो, सिक्स की पढ़ लो, फिर सेवंथ एट्थ पे आ जाना। अगर आपको लगता है ये सेवंथ एट्थ की बुक्स तो कोई खास नहीं है, ये तो हमें आता जाता है, ठीक है, तो आप रेनन मार्टिन ले लो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर आती है ना, रेनन मार्टिन की आप वो ले लो। कुल मिला के बस इतने में ही रहना है, सिक्स से स्टार्ट करके रेनन मार्टिन तक जाना है, ना उसके पार जाना है ना सिक्स से पीछे जाना है, सिक्स से पीछे नहीं जाना है, रेनन मार्टिन से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर आप इन बुक्स से जो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपकी कवर हो जाएंगी। अब अगर आप नेट से डाउनलोड करेंगे कि लाओ हम नेट से पीडीएफ डाउनलोड करके फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लेते हैं, तो नेट से जो पीडीएफ मिलते हैं ना उनमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे उनमें बहुत ज्यादा अननेसेसरली जो नहीं यूज में आने वाली फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो फिर बच्चा सोचता है अरे इतनी तो हमसे नहीं हो पाएंगे, तो 500 है इतनी थोड़ी हम याद कर पाएंगे, फिर छोड़ देता है, एक भी नहीं पड़ता। तो आप ना फ्रेजल वर्ब्स का एक काम करना, नेट से पीडीएफ मत डाउनलोड करना, फ्रेजल वर्ब्स को आप सातवीं आठवीं की बुक से या रेनन मार्टिन की बुक से पढ़ो, ठीक है। मान लो आपका कोई जानकार है, उसके पास रेनन मार्टिन बुक है, आपके पास नहीं है, और आप नहीं खरीदना चाहते हो रेनन मार्टिन बुक, आपको पैसे की कुछ ऐसी दिक्कत है, ठीक है, तो आप एक काम करो, उस पर्सन से रेनन मार्टिन बुक ले लो, ठीक है, और उसमें जो फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट है, जो फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट है, उसकी कहीं से फोटो कॉपी करवा लो, फोटो कॉपी करवा लोगे तो सस्ते में काम हो जाएगा, उससे पढ़ लो। तो एक तो ये हो गया कि सोर्स फ्रेजल वर्ब्स का कहां से यूज करें, तो सातवीं आठवीं की किताबें और रेनन मार्टिन, बस इससे ज्यादा नहीं, कम भी नहीं इससे, तो उनमें जितनी आपको फ्रेजल वर्ब्स मिल जाए वो पढ़ लो, एक चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, अब बात रहेगी कि भाई याद कैसे होंगी, तो याद करने का तरीका तो ये कि आप उनको रिवाइज करो, लिख के देखो। जैसे लुक वर्ब की फ्रेजल वर्ब है, तो लुक वर्ब की 8-10 फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको अपना लिख के देख लो, एक बार याद कर लो किसी बुक से, अब बाद में अपने आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो कि आपको कितनी याद रह गई। एसपी बक्सी जब पढ़ रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, एसपी बक्सी तो अच्छी बुक है, ठीक है, तो आप ऐसे करो। चलो अब आते हैं ये पीक्यूआरएस, कर लिए सॉल्व, डिस्कशन तो हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं पीक्यूआरएस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, आज बस उसको एक बार निपटा देते हैं। आंसर बता देना, मैं भी आंसर बता दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। चलो एक बार सभी लोग पढ़ो, मैं भी पढ़ लेता हूं तब तक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद रैट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स हियर से दैट एक्सरसाइज मोर एंड कंज्यूम विटामिंस, दे विल लिव अप टू 100 इयर्स और मोर इफ ह्यूमंस ईट लेस। एस के बाद में क्यू जरूर आएगा, एस में लिखा है ना इफ ह्यूमंस ईट लेस, कॉमा लगा दिया ना, फिर उसके आते जाएगा एक्सरसाइज मोर, अगर ह्यूमंस खाएं कम एक्सरसाइज करें ज्यादा और विटामिन्स कंज्यूम करें, तो एस के बाद में क्यू आएगा। अगर एस के बाद में क्यू आएगा तो कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें एस के बाद में क्यू दे रखा है, इसमें क्यू के बाद में एस दे रखा है, इसमें क्यू के बाद में एस दे रखा है, इसमें क्यू के बाद में पी दे रखा है। चलो अब कितने बच्चों का आंसर डी था, तो जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर किया उनका सही है,
और जिन्होंने कुछ इधर उधर कर लिया उन्होंने गलत कर लिया। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो गया आपका, डी हो गया। अब मुझे लगता है सारे बच्चों का डी था, तो डी था सबका, तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द वे द प्रोपराइटर्स ऑफ दीज बोगस एजेंसीज फ्लैटर, ठीक है, टूडे देयर बोर्ड अपीयर्स एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट बाई गारंटिंग जॉब्स फॉर देम एंड रिसीव मनी फ्रॉम द पब्लिक इज सिंपली चार्मिंग एंड मार्वलस एंड इन अ वीक्स टाइम द सेम बोर्ड कैन बी सीन एट द फार्दर एंड ऑफ द अनदर स्ट्रीट एंड सो ऑन। चलो पढ़ो, सारे बच्चे इसको आंसर करो। मैं केवल आंसर बताऊंगा क्योंकि PQRS कैसे अटेम्प्ट करना है हम पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको आंसर समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना पूछ लेंगे, ठीक है। पी जो है वो सिक्स वाले पार्ट से पहले आएगा। टुडे देयर बोर्ड अपीयर्स एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट एंड इन अ वीक्स टाइम द सेम बोर्ड कैन बी सीन एट द फार्दर एंड ऑफ अनदर स्ट्रीट एंड सो ऑन। आज वो इधर दिखाई पड़ रहे हैं, उनका बोर्ड इधर लगा है, ठीक है, स्ट्रीट के, कल वो दूसरी तरफ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पी है ना वो सिक्स से पहले आएगा, पी लास्ट में आएगा। अगर पी लास्ट में आएगा तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, इसमें पी लास्ट में नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पी लास्ट में, यहाँ पी लास्ट में, तो दोनों में आर से शुरुआत हो रही है। अब हमें ये पता करना है कि आर के बाद में क्यू सही है या एस सही है, मतलब हमें ये पता करना है कि आर के बाद में क्यू या एस, इस पे हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है कि आर के बाद में क्यू लिखें या आर के बाद में एस लिखें। तो देखो आज आप पढ़ लेते हैं। द वे द प्रोप्राइटर्स ऑफ दीज बोगस एजेंसीज फ्लैटर एंड रिसीव मनी फ्रॉम द पब्लिक, अब क्यू और एस पर, बाय गारंटिंग जॉब्स फॉर देम इज सिंपली चार्मिंग एंड मार्वलस, क्यू आएगा, ठीक है। द वे जो प्रोप्राइटर्स हैं इन बोगस एजेंसीज के, ये जिस तरीके से लोगों को ठगते हैं, चापलूसी करते हैं उनकी, ठीक है, और उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे पैसे लेते हैं, बाय गारंटिंग जॉब्स फॉर देम, कि उनको जॉब दिलवाएंगे ऐसी गारंटी देकर उनसे पैसे ले लेते हैं, तो ये जो इनका तरीका है इज सिंपली चार्मिंग एंड मार्वलस, मतलब क्यू आएगा। अगर क्यू आएगा तो आंसर ए हो गया। अब बताओ कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया कि ए आंसर क्यों है, बी नहीं ए। देखो समझो इसमें पता क्या है, द वे द प्रोप्राइटर्स ऑफ दीज बोगस एजेंसीज, आपने देखा होगा बहुत सी बोगस एजेंसीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, पोस्टर भी चिपकाते हैं, नौकरी की जरूरत है, ठीक है, फाइव स्टार होटल में रिक्वायरमेंट है, खाना फ्री, रहना फ्री, इतने महीने में रुपए मिलेंगे, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जरूरत है, ठीक है, तो इस तरीके के आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बोगस एजेंसीज होती हैं, ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, से पैसे ठगते हैं, आज यहाँ पे बोर्ड लगाए बैठे हैं, कल कहीं और बोर्ड लगा के अपना बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा द वे द प्रोप्राइटर्स ऑफ दीज बोगस एजेंसीज फ्लैटर एंड रिसीव मनी फ्रॉम द पब्लिक, ये जो बोगस एजेंसीज होती हैं इनके जो लोग होते हैं वो जिस तरीके से फ्लैटर करके, ठीक है, लोगों से पैसे निकलवाते हैं, कैसे निकलवाते हैं वे पैसे, बाय गारंटिंग जॉब्स फॉर देम, कि उनको गारंटी करते हैं कि उनकी नौकरी लगवाएंगे, ठीक है, इज सिंपली चार्मिंग एंड मार्वलस, उनका ये तरीका बड़ा ही सिंपल और बहुत ही मतलब चार्मिंग मार्वलस है, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम मैसेज भी आता है नौकरियों का, तो ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे होते हैं। अब आएंगे हम लोग, करेंगे क्लोज टेस्ट। चलो अभी एक क्लोज टेस्ट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्लोज टेस्ट में आपको बताया था क्या करना है, पूरा क्लोज टेस्ट एक बार पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद में जब हम ब्लैंक्स फिल करेंगे तो पूरे सेंटेंस को एक साथ हमें कंसीडर करना है। जैसे अगर हम इस पूरे क्लोज टेस्ट को देखें तो इसमें कितने सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस तो इतना ही हो गया, एक सेंटेंस यहां तक हो गया, दो सेंटेंस हो गए, तीसरा यहां से शुरू हुआ, यहां तक हो गया, चौथा यहां से शुरू हुआ, यहां हो गया, पांचवा यहां से शुरू हुआ और यहां हो गया, मतलब फाइव सेंटेंसेस हैं। एक क्लोज टेस्ट है, क्वेश्चंस उसमें टेन है वो अलग बात है, बट सेंटेंसेस फाइव है, फाइव सेंटेंसेस क्लोज टेस्ट है। तो जब हम ब्लैंक फिल करेंगे, जैसे ये वाला हम ब्लैंक फिल करेंगे, तो हम यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंटेंस कंसिडर करके चलेंगे, ये जैसे हम ब्लैंक फिल करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये तीन ब्लैंक है लेकिन हम उसका पूरा एक सेंटेंस कंसीडर करके चलेंगे, इसमें तीन है, ठीक है, तो भी हम पूरा सेंटेंस कंसीडर करके चलेंगे, इसमें एक ही है, चलो कोई बात नहीं, इसमें दो है, तो बस हमें इतना करना है कि क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ना है, और क्लोज टेस्ट
पढ़ने के बाद में जब हम ब्लैंक्स फिल करना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो ब्लैंक किस सेंटेंस में आ रहा है, उस पूरे सेंटेंस को पढ़कर फिर ब्लैंक को फिल करेंगे, ठीक है। चलो, नथिंग इज मोर डैश देन अ स्मेल, वन डैश कैन बी अनएक्सपेक्टेड डैश एंड फ्लीटिंग, येट डैश अप अ चाइल्डहुड समर बिसाइड अ लेक इन द माउंटेन्स, अनदर अ मूनलिट बीच, अ थर्ड अ फैमिली डिनर ऑफ पोर्क रोस्ट एंड स्वीट पोटैटोज, स्मेल्स डिटोनेट्स सॉफ्टली इन आवर डैश like landmines under the weedy mass of years, hit a trip buyer of smell and memories, dash all at once, a dash vision out of the undergrowth. पढ़ लिया, समझ में आया कुछ? एक हल्का हल्का सा आइडिया आपको मिलेगा। वो यहां पे बात ये हो रही कि जो स्मेल्स होती हैं उनकी साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, ठीक है। और जैसे कोई ट्रिप वायर, जैसे कोई लैंड माइंस होती हैं तो उनमें ट्रिप वायर्स होते हैं, अगर किसी ने वो ट्रिप वायर हिट कर दिया तो वो लैंड माइन एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्मेल्स होती हैं वो भी हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, उनकी भी मेमोरी बनी रहती है और उनके साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। जब कभी दोबारा हमें वो मेमोरी आती है तो वो स्मेल याद आ जाती है उससे, या जब कभी हमें वो स्मेल मिलती है तो उससे जुड़ी हमारी यादें तुरंत जो होती हैं वो एकदम से जैसे लैंडमाइन फटती है वैसे वो हमारी मेमोरीज जो एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती हैं और वो सारी हमें दिखने लगती हैं और याद में आने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि स्मेल को और मेमोरीज को कनेक्ट किया गया, ठीक। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। नथिंग इज मोर डैश देन अ स्मेल। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन केवल इतना लिखा हो और हमें ऑप्शन दिया जाए नर्सिंग, मेमोरेबल, कंजीनियल और कंफर्टिंग, तो अपनी थोड़ी सी अगर खोपड़ी यूज करोगे, ठीक है, तब भी कोई, जैसे मैं देख रहा था बहुत से बच्चे नर्सिंग बता रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अकल है नहीं कि अकल यूज करना नहीं चाह रहे हो। नर्सिंग का मतलब होता है जिससे आपको पोषण मिले, नर्सिंग का मतलब पोषक होता है ना बच्चे, नर्सिंग का मतलब होता है समथिंग दैट नरिशेज यू, समथिंग दैट यू गेट नरिशमेंट फ्रॉम, कुछ ऐसा जिससे आपको पोषण मिलता है, ठीक। जैसे आपने खाना खाया तो विटामिन मिल गया, मिनरल्स मिल गए, एनर्जी मिल गई, तो ये नरिशमेंट है, स्मेल से नरिशमेंट मिलता है। आपको खाना खाने को ना दिया जाए, आपको केवल उसकी महक दे दी जाए कि भाई ये खाना है इसको सूंघ लो, आपको मिल जाएगा नरिशमेंट, हैं? आपको रोज खाना दिखा दिया जाए और स्मेल करने के लिए दे दिया जाए, भाई ये खाना बनना है किचन में आप आके स्मेल कर लो और जाओ, बेवकूफी वाली चीजें। फिर कहोगे हमें क्लोस्ट्रस मुश्किल लगता है, अरे भाई जब तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है, तुम खाली रूल याद करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद करोगे, खाली ब्लैक बुक की वोकैब रट्टा मारोगे, ठीक है, तब तो तुम बेवकूफ जब किस्म के इंसान ही हो तो तुम्हें कोई कितना समझाए। ये नर्सिंग मैंने देखा इतने बच्चों ने आंसर कर रखा था, नर्सिंग अबे खोपड़ी यूज करते हो कि नहीं करते हो? अगर तुम्हारी अकल घुटनों में सरक गई है तब फिर कौन तुम्हें पढ़ा। मान लो इसमें कोई ऐसे ऑप्शंस दिए होते थोड़े से कंफ्यूजिंग होते तो समझ में आता कि भाई चलो भाई बच्चा कंफ्यूज हो गया इसलिए गलत आंसर बता दिया। अरे इसमें क्या कंफ्यूज होना, तुम स्मेल को नर्सिंग कह रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान फिर धरती पे कोई नहीं होगा। नर्सिंग का मतलब होता है पोषक, जिससे हमें पोषण मिले। स्मेल से क्या आज तक तुम्हें पोषण मिला? कोई ऐसे खाने पीने की चीज बताओ जिसकी केवल आपको स्मेल दी गई हो और आपकी बॉडी बन गई हो। फिर जब पढ़ोगे नहीं तो समझ विकसित होगी नहीं, फिर ये उल्लुओं वाले आंसर देते घूमते रहोगे और चिल्लाते रहना क्लोस्टर्स में बहुत दिक्कत होती है, क्लोस्टर्स में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो दिक्कत तो जब तुम्हारे कर्म नहीं है अच्छे तो दिक्कत तो होगी होगी, कर्म सुधारो। चलो, तो भैया नर्सिंग कैसे तुम टिक मारे बैठे हो, ठीक है। कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, कंजीनियल का मतलब हमने शायद पढ़ा भी होगा हाल फिलहाल, कंजीनियल का मतलब फ्रेंडली, कंफर्टिंग का मतलब आरामदायक, ठीक है। कंफर्टिंग हो सकता था वैसे, ठीक है, कि बहुत सी स्मेल ऐसी होती है उनको सूंघ के बड़ा हमें चैन मिलता है, वो हमें कंफर्ट करती है। बहुत सी चीजों की स्मेल ऐसी होती है कि सोते आदमी को जगा देती है, इतनी खराब होती है, ठीक है। बहुत सी चीजों की स्मेल ऐसी होती है कि उससे आपको बड़ी राहत मिलती है स्मेल से, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसी हिसाब से देखेंगे तो इसमें स्मेल और मेमोरीज की बात की जा रही है तो हम लिखेंगे मेमोरेबल। तो आंसर क्या हो गया, नथिंग इज मोर मेमोरेबल देन अ स्मेल। स्मेल से ज्यादा समय तक याद रहने वाली कोई दूसरी चीज नहीं होती। वन डैश कैन बी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है,
डैश एंड फ्लीटिंग येट डैश अपर चाइल्डहुड समर बिसाइड अ लेक इन द माउंटेन्स अनदर अ मूनलिट बीच अ थर्ड अ फैमिली डिनर ऑफ पोर्ट्रोस्ट एंड स्वीट पोटैटो. अब हमने लिखा वन डैश कैन बी अनएक्सपेक्टेड. व्हाट वन? सेंट, अरोमा, विजन, इमोशन. तो हमें पता है स्मेल की बात हो रही है तो विजन आएगा नहीं, इमोशन आएगा नहीं. अरोमा का यूज किया जाता है फूड के लिए, टेस्टी जो फूड की स्मेल होती है उसको अरोमा कहा जाता है. और सेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके की स्मेल, सेंट का मतलब कैसी भी महक. ठीक है, तो इसमें आएगा सेंट. वन सेंट कैन बी अनएक्सपेक्टेड, एक ऐसी भी महक हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो. ठीक है, कि आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो, ऐसी कोई आपको महक मिल गई जो आपने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. डैश एंड फ्लीटिंग, जो कि फ्लीटिंग का मतलब होता है जल्दी से खत्म होने वाली. अब हमें फ्लीटिंग जो एडजेक्टिव है ना, इसके साथ एंड से एक और एडजेक्टिव जोड़ना है. ये एडजेक्टिव टू है, अब यहां पे हमें एडजेक्टिव वन लिखना है. दोनों एडजेक्टिव एंड से जोड़े जाएंगे. तो फ्लीटिंग का मतलब होता है दैट पासेस अवे सून, जो बहुत जल्दी से बीत जाए. अब एंड कंजंक्शन है तो उसी के जैसे मीनिंग कन्वे करने वाले हमें कोई दूसरा एडजेक्टिव यहां पे जोड़ना है. तो क्या लिखें? डिजायरेबल लिखें, मोमेंटरी लिखें, लास्टिंग लिखें, चेरिशिंग लिखें? तो आंसर जाएगा मोमेंटरी. मोमेंटरी एंड फ्लीटिंग. ठीक है, कोई आपकी जो सेंट है, कोई महक है, वो अनएक्सपेक्टेड हो सकती है. कोई महक जो है वो टेम्पररी एंड फ्लीटिंग हो सकती है, ऐसी हो सकती है वो बहुत मोमेंटरी हो, थोड़े समय के लिए वो महक आई फिर बंद हो गई. ठीक है, फ्लीटिंग एकदम से गुजरे, फ्लीटिंग का मतलब जो बहुत जल्दी से गुजर जाए, टिके नहीं, ठीक है, रुके नहीं. येट, येट का मतलब फिर भी. अब हमें कुछ ऐसा बताना है जो कॉन्ट्रास्टिंग होगा. येट कंज्योर, कॉन्कॉक्ट, बिल्ड, एस्टेब्लिश अ चाइल्डहुड समर बिसाइड अ लेक इन द माउंटेन्स. लेकिन हो सकता है कि उस स्मेल से आपको अपनी मतलब किसी माउंटेन्स के किनारे, माउंटेन्स के पास किसी झील के किनारे जो आपने चाइल्डहुड में बचपन में गर्मियां बिताई हो या गर्मी की छुट्टियां बिताई हो वो याद आ जाए. तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपको एकदम से ऐसी स्मेल आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, और वो बहुत तेजी से गुजर जाए. लेकिन क्या हो, उस स्मेल की वजह से आपको अपने बचपन में गर्मियों में किसी पहाड़ के किनारे, झील के किनारे बिताए गए दिन याद आ जाए. ठीक है, तो अब हमें इसमें लिखना, हम क्या लिखें? कंज्योर, कॉन्कॉक्ट, बिल्ड, एस्टेब्लिश. तो एस्टेब्लिश आएगा नहीं, बिल्ड आएगा नहीं. ठीक है, कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है मनगढ़ंत, कुछ झूठ गढ़ना. कंज्योर का मतलब होता है एकदम से जगा देना, किसी चीज को क्रिएट कर देना, इमेजिनरी, मतलब उसके इमेजिनेशन, उसके आइडियाज बना देना. तो कंज्योर कर देना मतलब मेंटली किसी चीज की इमेज बना देना. ठीक है, किसी चीज को मतलब आपके दिमाग में ले आना. जादू नहीं होता जैसे जादू कर देते हैं तो एकदम से दिख जाता है, चित्र सा बन जाता है, वैसे. तो इसमें आ जाएगा कंज्योर. कंज्योर अप अ चाइल्डहुड समर बिसाइड अ लेक इन द माउंटेन्स अनदर अ मूनलिट बीच अ थर्ड अ फैमिली डिनर ऑफ पोर्ट्रोस्ट एंड स्वीट पोटैटोस. फिर लिखा है स्मेल्स डिटोनेट सॉफ्टली इन आर डैश. स्मेल्स जो होती है वो डिटोनेट करती है सॉफ्टली, कहां पर? इन आर डैश. अब देखो डिटोनेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा बम्स होते हैं, तो जो बम होते हैं उनका एक डिटोनेटर होता है, डिटोनेटर रिमोट टाइप होता है, उसको आप दबाते हो तो उससे क्या होता है कि वो बम एक्सप्लोड हो जाता है. ठीक है, तो अब जो स्मेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिटोनेट सॉफ्टली, वो बहुत आरामदायक तरीके से, बहुत सॉफ्ट वे में डिटोनेट करती हैं, रहती हैं. कहाँ पे रहती हैं? इन आर डैश, इन आर मूड, इन आर मेमोरी, इन रेपर्टरी, इन प्लेक्ट. मेमोरी, याद की बात हो रही है ना, लिखा भी था ना ऊपर की नथिंग इज मोर मेमोरेबल देन स्मेल. तो वो जो स्मेल्स होती हैं वो हमारी मेमोरी में बनी रहती हैं, डेटोनेट करके मतलब नीचे दबी रहती हैं. ठीक है, लाइक डैश, लाइक डैश लैंडमाइंस, लैंडमाइंस के जैसे. कैसी लैंडमाइंस? पॉइनेंट, सेलुब्रियस, डेंजरस, मैसिव. मैसिव, मैसिव का मतलब विशाल, सेलिब्रियस का मतलब मेहनती, पॉइनेंट का मतलब बहुत तीखी महक. ठीक है, डेंजरस का मतलब खतरनाक, मैसिव का मतलब ह्यूज, मैसिव का मतलब विशाल. तो इसमें आ जाएगा मैसिव. तो वो जो स्मेल्स होती हैं वो हमारी मेमोरी में डेटोनेट करती हैं, कैसे? मैसिव लैंडमाइंस के जैसे, बहुत विशाल लैंडमाइंस. ठीक है, कि अगर वो फटेगी लैंडमाइन तो बहुत ह्यूज उसका इंपैक्ट आएगा. तो इसमें आ गया मैसिव लैंडमाइंस. डैश अंडर द वीडी मास ऑफ ईयर्स, जैसे कोई हमारी सालों पुरानी याद है वो किसी स्मेल के साथ में कनेक्टेड है, तो वो स्मेल डिटोनेट कर रही है हमारी मेमोरी में.
ठीक है, और वो जो कई साल गुजर गए वो उसके नीचे लैंडमाइन टाइप से है, वो मेमोरी जो है वो लैंडमाइन टाइप से है और कई सालों के नीचे दबी हुई है। डैश अंडर द वीडी मास ऑफ इयर्स, हिडन वेल्ड मास्क रॉब्ड, हिडन हिडन होना मतलब छुपी हुई होना, और वो लैंड माइंस है वो छिपी हुई है, किस चीज के नीचे छिपी हुई है, वीडी मास ऑफ इयर्स, दसों साल पांच साल हो गए, ठीक है, तो वो समय के नीचे वो मतलब हमारी मेमोरी छुपी हुई है। वेल का मतलब होता है ढकना, जैसे लोग नहीं होते हैं बुरका वगैरह पहनते हैं, पर्दा डालते हैं, उसको वेल करना कहते हैं। हिडन अंडर द वेडी मास ऑफ इयर्स, हिट अ ट्रिप वायर ऑफ स्मेल, अगर वो जो स्मेल है उसका ट्रिप वायर हिट हो जाए कहीं से, वही स्मेल दोबारा आपको मिल जाए, तो जैसे लैंड माइंस होते हैं उनका ट्रिप वायर होता है, अगर किसी ने उस वायर पर पैर रख दिया उसको हिट कर दिया तो लैंड माइन एक्सप्लोर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिट अ ट्रिप वायर ऑफ स्मेल एंड मेमोरीज डैश ऑल एट वंस, आप वो जो स्मेल का ट्रिप वायर है अगर वो स्मेल आपको कहीं से मिल जाए दोबारा, ठीक है, तो जैसे वो स्मेल का ट्रिप वायर आपका हिट होगा तो सारी मेमोरीज अचानक से हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फ्लो स्पर्ट जेट एक्सप्लोड, एक्सप्लोड लैंड माइंस क्या करती हैं, एक्सप्लोड करती हैं, तो हमारी मेमोरीज भी लैंड माइंस के जैसे हैं, वो भी एकदम से एक्सप्लोड हो जाएंगी और पुरानी सारी बातें हमें याद आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। स्मेल एंड मेमोरीज एक्सप्लोड ऑल एट वंस, अ डैश विजन डैश आउट ऑफ द अंडरग्रोथ, और फिर नीचे से एक विजन निकल के आ जाएगा, कैसा विजन होगा वो हमें बताना है, कॉम्प्लेक्स डिस्टर्बिंग शेमफुल डेरोगेटरी, देखो शेमफुल और डेरोगेटरी का कोई मतलब ही नहीं है, शेमफुल का मतलब जो शर्मिंदगी भरा हो, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक हो, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, डिस्टर्बिंग का मतलब जो आपको डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, परेशान कर दे, तो पुरानी मेमोरीज है कोई जरूरी थोड़ी वो डिस्टर्बिंग ही होंगी, तो आंसर जाएगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब विच इज नॉट क्लियर, उलझा उलझा है, ठीक है, क्योंकि अब सालों पुरानी मेमोरी है वो अचानक से आपके सामने तो आ गई लेकिन सब कुछ उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना उस समय रहा होगा, तो धुंधली धुंधली चीजें होंगी, अस्पष्ट टाइप की होंगी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स विजन डैश आउट ऑफ द अंडरग्रोथ, पोर्स लीप्स रन्स होप्स, एक कॉम्प्लेक्स विजन जो है वो करेगा उस अंडरग्रोथ से, मतलब वो जो सालों पुरानी मतलब सालों का जो गैप है दसों साल का, उसके नीचे से उस एक्सप्लोजन से क्या निकल कर आएगा, एक कॉम्प्लेक्स विजन, अब उस निकलने को हम क्या कहें, पोर करना, लीप करना, रन करना, होप करना, तो आंसर है, देखो पोर करना मतलब होता है उड़ेलना डालना, तो पोर जो होता है ना वो ऐसे किया जाता है ऐसे, लेकिन हमने कहा कि आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब किसी चीज के अंदर से कोई चीज बाहर निकल के आ रही है, तो उसको रन तो कह नहीं सकते, पोर कह नहीं सकते, रन का मतलब भागना होता है, ठीक है, या तो हम लीप कहेंगे उछलना, या हम कहेंगे होप का मतलब फुदकना, ठीक है। अब जैसे पक्षी होते हैं दो कदमों पे वो जो फुदकते हैं उसको होप करना कहते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं तो पैर रख के चलते हैं आगे पीछे, पक्षी जो होते हैं वो जनरली आपने देखा होगा फुदक फुदक के चलते हैं, दोनों पैर से कूदते हैं ऐसे ऐसे, उसको होप करना कहते हैं, तो ये भी चला गया। लीप का मतलब होता है उछलना, छलांग लगाना बाहर, कोई चीज अंदर, जैसे मान लो कोई डब्बा है, ठीक है, उस डब्बे के अंदर कोई जानवर या कोई पक्षी बंद है या कोई मतलब कोई बंद है, ठीक है, और जैसे वो किसी ने ऊपर से डब्बा खोला तो तुरंत बाहर उछल के आ गया, तो ये क्या है, लीप करना है, उछलना, अंदर से बाहर कूदाना, तो लीप करना हो गया, तो इसमें आंसर लीप आ जाएगा। अब ये जो होता है ना कॉमन सेंस की बातें होती हैं, जब आप पढ़ोगे रोज दो पेज इंग्लिश के, तीन पेज इंग्लिश के, तो आपको ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी। अब आप इनमें टाइम लगता है, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में महीनों लगते हैं, और ये अपने आप पढ़ने से होती हैं, ये ऐसे अपने आप नहीं हो जाएंगी। अब जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनको ये चीजें हमेशा दिक्कत करती रहती हैं। अब जैसे पोर है, पोर का मतलब सबको पता होगा, पोर का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज में उड़े लेना, जैसे आपका पानी है जग में, तो जग का पानी आप ग्लास में डाल रहे हो तो आप पोर कर रहे हो, ठीक है, तो जो आउट ऑफ लिखा हुआ इसकी वजह से पोर आ नहीं सकता। रन का मतलब भागना होता है तो वो भी आएगा नहीं, ठीक है। होप का मतलब फुदकना होता है, लीप का मतलब उछलना होता है, तो कोई चीज अंदर से बाहर अगर उछल के आ रही है तो वो होप नहीं कर रही, वो लीप कर रही है, होप करती है ऐसे ऐसे, अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है तो वो लीप कर रही है। अब ये कॉमन सेंस आपका है, पढ़ोगे तो हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है नाइन्थ तो सबसे आसान था बेटा, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, शेमफुल का मतलब अपमानजनक, तो जो मेमोरीज है वो जो विजन हमें अपनी पुरानी यादों का आता है तो कोई जरूरी थोड़ी वो अपमानजनक है, डेरोगेटरी होगा या डिस्टर्बिंग होगा, ये तो तीनों अपने आप ही गलत हो गए। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो उलझा उलझा हो, जो स्पष्ट ना हो पूरा, ठीक है।